फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बैक वेंचर्स आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा एमएस वर्ड एमएस वर्ड के बारे में तमाम चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे उसकी फीचर्स डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ये आपका लेक्चर एटीन है तो ये इम्पोर्टेंट है चाहे सेट का एग्जाम दे रहे हो नेट का कोई भी एग्जाम तो हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं अपना एमएस वर्ड होता क्या है हमारा एमएस वर्ड एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ता है फॉर एग्जाम्पल आप टेक्स्ट को क्रिएट कर रहे हो आप टेक्स्ट को मैनेज कर रहे हो आप अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो कोई भी ऑपरेशन जो आप करना चाहते हो आप अपने एमएस वर्ड में कर सकते हो अब एम एस वर्ड जो है ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक काम के लिए यूज हो रहा है अब इसमें हम अपने लेटर्स uh, लिख सकते हैं रिपोर्ट्स लिख सकते हैं कोई बिल बनानी है बना सकते हैं इन्वलॉब बना सकते हैं फॉर्म पम्पलेट्स जो भी चाहे किसी भी टाइप का काम आप अपने एम एस वर्ड में कर सकते हो हर एक तरह का ऑप्शन आपको मिल जाएगा अपनी मर्जी से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो कलर चेंज कर सकते हो पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो कुछ भी आप देखते हैं कि हमारा एमएस वर्ड प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते हैं कैसे यूज़ करें पहला पॉइंट है आपको सबसे पहले अपना कंप्यूटर ऑन करना है और वहाँ एक बटन होगा स्टार्ट बटन उस पर क्लिक करना है स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करते ही आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा उसमें आपको होगा ऑल प्रोग्राम्स ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कर देना है ऑल प्रोग्राम्स के बाद होगा लिखा एमएस वर्ड देन आपको एमएस वर्ड पे क्लिक करना है और आपकी विंडो ओपन हो जाएगी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम पहले आपको स्टार्ट के पु... ग्रीन कलर का स्टार्ट है उस पर क्लिक करना है देन ये प्रोग्राम्स का ऑप्शन है ब्लू में और उसके बाद प्रोग्राम्स के बाद बहुत सी चीजें निकल रही हैं तो एमएस वर्ड को किया है जो ये ब्लू कलर का शेड बॉक्स में है इसको क्लिक करके अब देखते हैं एम एस वर्ड स्क्रीन लेआउट अब देखते हैं ये स्क्रीन होती कैसी है थोड़ा सा लेआउट देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले एक चीज है दैट इज कॉल्ड एज द टाइटल बार टाइटल बार हमें बताता है कि करंटली हम किस पेज पे काम कर रहे हैं और कौन सी विंडो ओपन है जब आप नाम देते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर एग्जांपल सेव कर रहे हैं एनी एनीथिंग तो वो आपको ऊपर नाम लिखा रहता है ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर जहाँ पे बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है ये एक्सेल का पेज खुला है तो यहाँ ऊपर लि, लिखा हुआ जो नाम है इस वाले पोर्शन को टाइटल बार बोलते हैं अनदर इज मेनू बार मेनू बार में तमाम कमांड्स आपको मिल जाएंगी आपको कट करना है कॉपी करना है पेस्ट करना है कुछ भी करना है तो वो मेनू बार से मिल जाएंगी इन कमांड्स के आगे छोटी सी और कमांड्स होती हैं, जिनको हम सब कमांड्स बोलते हैं ऐसे रहता है ये जिस बार में लिखा हुआ है ना फाइल एडिट व्यू हिस्ट्री बुक मार्क्स इस सारे को मेन्यू बार बोलते हैं फिर टूल्स के आगे छोटा सा जो बटन है ना इसको हम सब कमांड बोलते हैं इसके अंदर कुछ और कमांड्स होती है तो यहाँ से हम अपना कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं ये हमारा होता है टाइटल बार के डायरेक्ट नीचे वाले पोर्शन में जो इस पर चीज़ें लिखी हैं फाइल एडिट ये भी हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट लेआउट दैट इज द फॉर्मेटिंग टूल बार

ऑप्शंस देखे हैं टूल बार में ये देखिए आइकन्स देखें ना आइकन्स को आप क्लिक करके फटाफट से कोई भी चीजें आराम से यूज कर सकते हो और देख सकते हो ठीक है फॉन्ट स्टाल अलाइनमेंट कुछ भी चेंज करना हो तो यहाँ पे आइकन्स लगे हैं अनदर चीज अब हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड टूल मार में अनदर चीज जो आपके पास है ये आपको हेल्प uh, करता है क्विकली जो भी आपके कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है हम डायरेक्टली कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई ड्रॉप डाउन बॉक्स आने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली हमें अगर जल्दी से शॉर्टकट फॉर्म में अप्लाई करना है तो ये आइकन्स बने हैं कर, जल, जल्दी जल्दी से इन आइकन्स पे हम क्लिक करके कुछ भी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट अः फॉन्ट चेंज कर लो साइज चेंज कर लो कुछ भी फटाफट से जल्दी तो ये होता है फटाफट यूज वाला काम दैट इज द स्टैंडर्ड टूल बार दो कस्म के होते हैं टूल बार दैर फॉर्मेटिंग एंड स्टैंडर्ड ये था स्टैंडर्ड अंदर हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार की ठीक है फॉर्मेटिंग टूल बार में आइकन्स प्रेजेंट होते हैं इससे हम फॉन्ट स्टाइल अलाइनमेंट ये सारी चीजें चेंज करते हैं आपके टेक्स्ट को आपको साइज देना है फिलहाल ट्वेंटी देना है ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर देना है वो या अलाइनमेंट्स में बोल चुकी हूँ जैसे सेंटर है आपके पास लेफ्ट साइड में डालना चाहते हो टेक्स को राइट right में स्टाइल बोल्ड देना चाहते हो इटाइलिक देना चाहते हो तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टाइल्स आपके पास आते हैं तो वो हमें करना पड़ता है चूज़ ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वन टू थ्री जो लिखा हुआ है ये आइकन्स हैं और इन आइकन से आप ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो कलर इटाइलिक बोल्ड फ़ॉन्ट साइज टाइप लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर कोई भी चीज यूज कर सकते हो ठीक है तो ये दो किस्म के टूल बार्स थे पहले स्टैंडर्ड टूल बार और उसके नीचे आता है फॉर्मेटिंग टूल बार बस यही है स्टैंडर्ड को जल्दी जल्दी यूज करते हैं हम क्विंक अब आ गया रूलर रूलर हमारे पास एक जो है इससे हम अपने मार्जिनस को चेंज करते हैं जैसे आपके नोटबुक में मार्जिन लगे होते हैं इस तरह आपके वर्ड में भी होते हैं जैसे ये ग्रीन एरो से आपको मार्जिन दिखा आपको कहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट करना है कहाँ से लिखना चाहते हो इस मार्जिन को आप अपनी मर्जी से पीछे आगे करा सकते हो चाहे आप वर्टिकल देखो हॉरिजेंटल दो अनदर टूल्स स्क्रॉल टूल्स की बात करेंगे इससे हम क्या कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में ऊपर जाना है नीचे जाना है पेज नीचे करना है राइट करना है लेफ्ट करना है तो आराम से हम स्क्रॉल कर सकते हैं अब स्क्रॉल करने के लिए ये देखो यहाँ पे आपके पास बटन लिखा है विंडो में स्क्रॉल बार का बटन है आप इसको क्लिक करके पेज के ऊपर फर्स्ट पेज पे जा सकते हो नीचे करके सेकेंड थर्ड जिस पेज पे जाना चाहो दो चीजें हैं माउस और कीबोर्ड माउस से भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं चाहे हॉरिजेंटल करना चाहो वर्टिकल इसके ऊपर एक स्क्रॉल का एक छोटा सा बटन लाइक व्हील लाइक लगा होता है कीबोर्ड से भी कर सकते हो कीबोर्ड पे आ, कुछ आ, होते हैं कीज होती हैं जैसे होम की एंड की एरो कीज होती हैं आप डाउन राइट लेफ्ट पेज अप पेज डाउन तो इन कीज को इमीडिएटली आप प्रेस करके आप अपने ट्रैवल कर सकते हो जैसे ये माउस में एक स्क्रॉल बटन है इसको स्क्रॉल करके आप वर्टिकल हॉरिजेंटल अपने पेज में कहीं डॉक्यूमेंट में जा सकते हो और ये है हमारी कीज पेज अप डाउन होम एंड एरो कीज इनकी मदद से भी हम आराम से अपना स्क्रॉल कर सकते हैं विद इन डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है दैट इज कॉल्ड द स्टेटस बार स्टेटस बार को हम स्टेटस एरिया भी बोलते हैं ठीक है अब ये होती है हमारी लास्ट वाली लाइन जो भी हमारा ऑफिस विंडो है जब ओपन करते हैं इसकी लास्ट जो लाइन होती है वो होता है स्टेटस बार ये देखिए ऊपर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है जो लास्ट रेड कलर की लाइन है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है जरूरी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी एक हम फटाफट से देख लेते हैं जैसे ये हमें करंट पेज बताती है हम किस पेज पे हैं सेक्शन नंबर बताती है हम कौन से अपने सेक्शन नंबर में गए हैं वो इंफॉर्मेशन देती है टोटल पेज आपके पास कितने पेज हैं कितने लिखे हैं वो बता रही है करंट कर्सर पोजीशन आपका जो प्रेजेंट कर्सर है उसकी पोजीशन कहाँ है कहाँ पे है आपका कर्सर वो बताएगा करंट लाइन नंबर आपको लाइन नंबर बताएगा आप किस लाइन नंबर पे हो ठीक है अनदर ट्रैक रिवीजन आपको ट्रैक रिवीजन के बारे में बता देगा अनदर इंफॉर्मेशन uh, देगा दैट इज द एक्सटेंट सिलेक्शन ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा और लास्ट इज द टाइप मोड ये कुछ इंफॉर्मेशन uh, है जो हमारा स्टाटस बार हमें प्रोवाइड करता है लेकिन हम ये सिर्फ एम एस वर्ड की बात कर रहे हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स में हमने बात नहीं की तो अनदर जो इसका आता है कर्सर अब देखेंगे कर्सर क्या है कर्सर को हम इंसर्शन पॉइंटर भी बोलते हैं देखो जब आप आ, कोई भी वर्ड लिखते हो टाइप करते हो अपने फोन में करो या लैपटॉप में करो तो वहाँ पे एक लंबी सी लकीर जैसी आती है जो ब्लिंक करती रहती है वो हमें बोलती है कि हम अगला वर्ड जहाँ टाइप करें जैसे ये देखो यहाँ पे हम टाइप टी टाइप करेंगे उसके आगे आ जाएगा एच के पास फिर हम आराम से देख सकते हैं हम कहाँ टाइप कर रहे थे दूसरा आ गया माउस पॉइंटर माउस पॉइंटर आई बीम की तरह दिखता है अपनी मर्जी से फ्रीली स्क्रीन पर कहीं भी घुमा सकते हो ये एक जैसे एक पॉइंटर की तरह लगता है ये एक लाइन नहीं होती है माउस पॉइंटर एक पॉइंटर एरो की तरह ये देखिए इसमें जैसे ये पॉइंटर है फ्रीली कहीं भी घूम रहा है ऑप्शंस को क्लिक कर रहा है किसी पे भी ये माउस पॉइंटर है अनदर हम देखते हैं मेनू ऑप्शंस हम देखते हैं कि ये जो हमारे मेनू ऑप्शन हैं ये क्या है ओके okay? तो मीनू ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास फाइल का ऑप्शन रहता है अभी जो हम पढ़ चुके थे फाइल में आप देखते हैं फाइल में आप ओपन क्रिएट सेव कोई भी चीज़ें देखो ये जैसे है ये यहाँ पे फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल टेबल यही हमें पढ़ना है तो फाइल को जब ओपन किया ही देखो इसके बीच में बहुत सारे ऑप्शन आ गए यहाँ आप सेव कर सकते हो फाइल को ओपन कुछ भी अब एडिट की बात करेंगे तो यहाँ आप एडिट कर सकते हो अपने जिसपे काम कर रहे हो अपने टेक्स्ट पे जैसे आप उसको कट कर सकते हो कॉपी पेस्ट एनी फिर आता है व्यू व्यू में आप क्या करते हो व्यू से आपको ये बताता है हैडर कहाँ है हेडर हो गया ऊपर वाला फुटर फुटर हो गया पेज के नीचे एक लाइन वो बताता है पैराग्राफ्स को आपने कहा मार्क किया वो फिर आगे इंसर्ट इंसर्ट आपको बताएगा पेज इंसर्ट कहाँ की ब्रेक पेज में हम ब्रेक भी कभी यूज करते हैं वो कहाँ की सेक्शन को ब्रेक कहाँ किया पिक्चर इंसर्ट करना चाहो आप डायग्राम इंसर्ट करना चाहो कोई भी चीज़ तो इंसर्ट से देन फॉर्मेट फॉर्मेट आपको टेक्स्ट को चेंज करने में मदद करता है उसका बॉर्डर चेंज करो शेड्स चेंज करो कॉलम्स वगैरह उसको साइज दे दो अलग उसकी शक्ल बना दो इटालिक वो सब अनदर आता है हमारे पास टूल टूल यूज होता है हमारे पास मिस्टेक्स को ज्यादातर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं या ग्रामेटिकल एरर्स उसके लिए हमें ये ऑप्शन जब हम टूल को ओपन करेंगे इसके नीचे ऑप्शन आती हैं तो अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं देन देर इज द टेबल टेबल नाम से पता चलता है जब हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल यूज करते हैं उसको फॉर्मेट भी करना पड़ता है टेबल को ड्रा कॉलम इंसर्ट डिलीट एड कुछ भी तो वो सब कुछ हमें टेबल ऑप्शन में मिल जाता है देन विंडोज विंडोज हमारे पास क्या करता है नई विंडो ओपन करता है या आपको एग्जिस्टिंग जो विंडो है उसको स्प्लिट करेगा विंडोज पे जितना भी काम करना चाहे तो ये विंडोज ऑप्शन में आ जाता है अनदर जो आपके पास है हेल्प हेल्प से क्या होगा हेल्प में ऐसी कमांड्स लॉन्च हो जाती हैं जो आपको uh, कुछ कमांड जैसे फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है क्या होता है या आपको नहीं पता कुछ एरर आ रहा है तो हेल्प पे क्लिक करके आप फटाफट से पूछ सकते हो कि वो आपको बता देगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहाँ पे पॉइंट्स ठीक है कुछ uh, ये है हमारे पास टूल्स टेबल विंडो और हेल्प ठीक है तो ये चीज़ें हमने पढ़ी अब हम बात करेंगे अपने टूल बार्स की ठीक है तो टूल बार्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं एक को बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार एंड सेकेंड वन इज द फॉर्मेटिंग टूल बार अब इन दोनों टूल बार को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड में कौन से टूल्स हैं एंड फॉर्मेटिंग में कौन से तो स्टैंडर्ड टूल बार की अगर बात करेंगे तो इसमें हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं और ये हमें कौन से टास्क परफॉर्म करने में मदद करता है तो वो देखते हैं सबसे पहला न्यू कोई भी हमें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है न्यू वर्ड तो उसके लिए ओपन ओपन करना है कोई डॉक्यूमेंट सेव जब लिखते हैं लिखने के बाद सेव करनी है अपनी फाइल उसके लिए वो ऑप्शन इसमें है ई मेल ई मेल सेंड करना है तो आराम से सेंड कर सकते हैं अनदर इज प्रिंट आपको प्रिंट करना है अपना पेज तो इसमें वो ऑप्शन है प्रिंट प्रिव्यू मतलब के प्रिंट से पहले देखना चाहते हो कैसा प्रिंट होगा देन नीरज स्पेल चेक आपको स्पेलिंग मिस्टेक है चेक करना है तो उसके लिए कट कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन इसमें लगा रहता है कॉपी कर सकते हो आप देन पेस्ट कर सकते हो आप एक जगह से दूसरी जगह पे अंडू कर सकते हो इसे ये ऑप्शन इसमें लगा रहता है और रिड्यू कर सकते हो आप ये सारे ऑप्शन हैं जो स्टैंडर्ड टूल बार में प्रेजेंट होती हैं तो ये देखिए इसका हमारे पास ऐसा लगता है ये सेव ई रिसर्च कॉपी ये देखिए इस पर ये सारे ऑप्शन लगे हुए हैं डायरेक्टली आप आइकन पर क्लिक कर सकते हो दैन दट इज़ द फॉर्मेटिंग टूल बार अब हम फॉर्मेटिंग टूल बार की बात अगर हम करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है दैट इज़ द फोन स्टाइल जो आपने लिखा है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो साइज चेंज कर सकते हैं आराम से एंड कलर उसमें कलर आप कोई भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो फॉर्मेटिंग टूल बार से दैन बुलेटिंग बुलेटिंग में जब नंबर जैसे देते हैं वो गोल गोल वगैरह एरोज वो नंबरिंग वन टू थ्री फोर नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी अलाइनमेंट दे सकते हो लाइन स्पेसिंग आपके वर्ड दो के बिटवीन कितनी स्पेस रहनी चाहिए उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग ये है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार ये देखिए इसमें कौन से आइकन्स लगे हुए हैं आइकन्स का मतलब है ये छोटे छोटे जो सिम्बल्स हैं दंदेरिज राइट इंटेंडिंग इज लेफ्ट इंटेंडिंग एंड लास्ट पे हाइलाइटर ये सारे काम करता है स्टैंडर्ड टूल बार तो ये था हमारा आज का लेक्चर तो आप अगर चैनल पे नए हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर कमेंट